हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया ही हो गया। तो आज बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं चैनल पे। तो जैसा कि देख लिया होगा डिस्क्रिप्शन में, हम जा रहे हैं फाइनली गोवा। और आज हमारी फर्स्ट फ्लाइट भी होने वाली है। तो अभी अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक मैं अपनी गाड़ी लेके आया था। वहाँ से मैं यहाँ से कैब में दिल्ली तक आ जाएंगे। शाम की हमारी फ़्लाइट है। तो अब चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कैसा रहता है गोवा का सीन और क्या रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब कुछ अच्छे से कर दो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे आगे चल के, तब तक पूरे बाय बाय, वीडियो देखते रहो। पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पहुंच गए और बज रहे हैं 5:45। हमारी फ्लाइट है 9:30 की। हम जल्दी चले थे लेकिन रास्ते में हमें कोहरा नहीं मिला, तो हम जल्दी पहुंच गए हैं। हेलो एवरीवन। तो पहली फ्लाइट का एक्साइटमेंट सब उसको भी है, मेरी भी है। जीजू मेरी भी है यार, मैं भी देखिए पहली सभी की पहली है वैसे तो, पूरी लाइन जितनी है। टाइम तभी तो टाइम से पहले पहुंच गए हैं। तो अब देखते हैं कितने बजे क्या होता है, जाते हैं फ्लाइट में, फिर बैठते हैं, पहुंचते हैं गोवा, फिर दिखाते हैं आपको गोवा कैसा है। सही बात सुना उन्होंने, कुछ नहीं आया, सर हिलाया, सुन लिया मैंने। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करो। तो गाइस ये है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2। क्या कह रहे हैं आप? कौन लाया था? कुछ कहा आपने? आप पूछ रहे हैं खाने का क्या होगा, अभी खाएंगे, अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ। 6:45। तो ये सारा हमारा लगेज रखा हुआ है, दवा के लगेज है बढ़िया से, सिर्फ 3 दिन के लिए इतना लगेज। ये भी कम करके हो गया है। मेरा वो वाला बैग है, छोटा वाला ब्लैक वाला ओनली, बाकी सब इनका नहीं, इनका छोटा वाला बैग है साइज़ के हिसाब से सब। हाँ साइज़ के हिसाब से वो वाला लाल वाला सबसे पतला वाला, सबसे पतला और सबसे बड़ा इनका है मोटा, और नहीं चीनी का है सबसे बड़ा बैग ये जो रखा है, सबसे भारी बैग चीनी का। तो उधर काउंटर सी से अपना चेक इन होगा, चलते हैं अब चेक इन कराते हैं, फिर आगे गेट में जाके आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस बैठे बैठे 1 घंटा तो हो गया है, अब हम लगेज अपना चेक इन करा देते हैं क्योंकि 3 घंटे हाँ करीब 3 घंटे बाद फ्लाइट है। तो आप चेक इन कर लेते हैं लगेज देखे और चलते हैं अपने गेट की तरफ, फिर वहाँ बैठते हैं 2 घंटे और मिलता हूँ आपसे अंदर गेट में जाके। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जुड़े रहो। तो गाइस खा के आ गए हैं, अब बज रहे हैं 9 बज गए हैं और 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। थकान लग गई है, सुबह 7 बजे के उठे हुए हैं, तब से ट्रैवल ही ट्रैवल चल रहा है। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, उम्दा, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो गेट ओपन होते हैं, अपनी फ्लाइट लगी है गेट नंबर 33 पे। तो गेट ओपन होता है, फिर बोर्ड करते हैं, फ्लाइट में दिखाते हैं आपको टेक ऑफ वगैरह के शॉट्स। तो जुड़े रहो चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आगे जाके। तो गाइस हमने बोर्ड कर लिया है प्लेन, और ये है मेरी सीट।
एरोप्लेन देख लिया अराइवल। थक गया यार। कैसी रही फर्स्ट फ्लाइट? ठीक थी है। गाड़ी से ज़्यादा मज़ा आता है रोड ट्रिप। कैसी रही फर्स्ट फ्लाइट? बहुत अच्छी बोरिंग रही। लेकिन लैंड करते समय मेरे ना कान बंद हो गए और बहुत पेन हुई, बहुत ज़्यादा। और अभी भी ये कान नहीं खुले। मेरा भी एक ही चल रहा है, मैं एक में काम चला रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से 70 किलोमीटर हमने और ट्रेवल करना है बाय रोड होटल पहुँचने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे आगे चल के। ओ पल को किले के साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच दो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना हो। हेलो गाइस, तो अब हो गई है दूसरे दिन की सुबह। हम पहुंचते रात 2:30 बजे यहाँ पहुँचे होटल पे। फिर यहाँ पे वो चेक इन वगैरह किया और सो गए। थकाई लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो 6 तारीख की सुबह अभी बज रहे हैं 9:30। नहा धो के नाश्ता वगैरह करके हम निकलते हैं। और ये व्लॉग को मैं यहीं एंड कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले व्लॉग में आप देखेंगे गोवा के बीचेस और गोवा में घूमने के लिए क्या क्या जगह है। तो अगले व्लॉग देखना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना बढ़िया तरीके से। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और देखना मज़ा आएगा गोवा घुमाते हैं बढ़िया से। ओके, बाय बाय।